जब से बंद पड़ी है स्टील मिल जो कि नून लीग के दौर में थी, हमने 34 अरब सिर्फ बंद स्टील मिल में सैलरीज में दे चुके हैं। 9000 लोगों को एक बंद मिल में रखने के लिए 34 अरब रुपया। एक वो कौम जिसके पास पहले कर्जों पे हम गुजारा कर रहे हैं, पहले सूद दे रहे हैं। सूद ये है कि ये फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें जब गवर्नमेंट मिली तो पहले साल जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया 4000 अरब, 2000 अरब उसमें से सूद देना पड़ा जो पिछली गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हुए थे। तो उस मकरूज मुल्क के अंदर आप ये सोचे कि हम ये अरबों रुपया दे रहे हैं बंद मिल पे, और फिर वही खड़े वो जिन्होंने इस मिल का, जिस पीपल्स पार्टी के दौर में इसका 8 अरब सरप्लस से जो इसका दिवालिया निकला था, वो आगे से कह रहे जी मजदूरों को निटा रहा, क्योंकि इन्होंने अंदर घुसाए हुए हैं, पॉलिटिकल भर्तियां करके इनको तबाह किया, पीआईए को तबाह किया, ये इसको किया, पावर सेक्टर को किया। अब या तो हम रिफॉर्म हो, यहां मैं आज सारी अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम अब इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हैं उनको टेक ऑन नहीं करते, हम इस ये मैं कह बजाय बेस्ट ऑफ टाइम्स, अगर हमने ठीक कर दिया तो ये हमारे बेहतरीन टाइम आ जाएगा, आगे अच्छा वक्त है। अगर नहीं करते अब ये कंपाउंड करेगा, ये और हमें नीचे ले जाएगा। सो कहने का मकसद ये कि जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते, या हम रिफॉर्म करेंगे और या फिर हम एक बुरे वक्त का सामना करेंगे। मैं भूलना नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे दिल में मेंशन करना चाहता था इस चीज को, कार्टेल्स मोनोपोलीज बनी हुई हैं, एक तो माफियाज बैठे हुए हैं इदारों के अंदर, एक बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं जिस तरह का शुगर कार्टेल। अब शुगर कार्टेल इसके अंदर जितनी भी चीजें सामने आई इंक्वायरी के अंदर, इसमें क्या नजर आ रहा है कि थोड़े से लोग पैसा बना रहे हैं, यानी विंडफॉल प्रॉफिट्स बना रहे हैं। कोई मैं फिर वाजे कर दूं कि ये मुल्क की फ्यूचर है हम इंडस्ट्रियलाइज करें, इस मुल्क की फ्यूचर है कि हम अपनी बिजनेसेस को प्रमोट करें, इस मुल्क की फ्यूचर है अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। हम चाहते हैं कि पैसे बनाए जाए, हमारा किसान पैसा बनाए, हमारी बिजनेसेस पैसे बनाए, हमारी इंडस्ट्री पैसा बनाए, लेकिन वो एक माशरे के अंदर अपना फर्ज तो पूरा करें, टैक्स तो दें। जब आप पैसे बनाते हैं माशरे चलता है, सारी दुनिया के अंदर जो कामयाब माशरे हैं वो चलते हैं कि लोग पैसा बनाते हैं, वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स आप अपनी अवाम पे खर्च करते हैं, उनकी तालीम पे, सेहत पे, इस तरह एक माशरा चलता है। जो मदीना की रियासत की मैं बात करता था, उस सरकार मदीना पहली दफा दुनिया की तारीख में उन्होंने जो ज़कात का सिस्टम निकाला, पैसे वाले लोग से इकट्ठा करते थे और निचले लोगों के ऊपर खर्च करते थे। ये आज सारे यूरोप में वेलफेयर स्टेट्स इसके ऊपर बेस्ड है। हम यहां क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, 29 अरब रुपए की सब्सिडी 4 साल में लेके सारी शुगर मिल इंडस्ट्री 9 अरब रुपए का टैक्स देती है। उसके अलावा महंगी चीनी, लोगों को महंगी चीनी मिल रही है। उसके अलावा सारी जो रेगुलेटर्स थे जिनका काम ये रोकना था, चेक करना था, इसके कार्टलाइजेशन को चेक कर, वो साथ मिले हुए थे इनके, एफबीआर के लोग साथ मिले हुए हैं, कंपटीशन कमीशन के लोग इनके साथ मिले हुए हैं, कंप्लिसिटी थी। और लूट कौन रहे हैं, किसको लूट रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को, और बेचारे हमारे किसान को। ये स्पीकर साहब हर जगह हो रहा है, और ये हमारी गवर्नमेंट की मिशन है। हमारी मिशन ये है कि हमने इस मुल्क में, जब हम कहते हैं इंसाफ का निजाम, अदल और इंसाफ, वो मतलब ही ये होता है कि जो मेहनत करता है वो पैसा बनाए, लेकिन अपना वहां अपना जो शेयर है वो दे, ताकि हम निचले से लोगों के ऊपर खर्च करके ऊपर उठा दें। वो तो कभी भी मुल्क ऊपर नहीं जा सकता कि छोटा सा तबका अमीर होता रहा और बाकी बेचारी अवाम आप भूखा नंगा रखें। कोई भी आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तो ये सारे कार्टेल्स, इन सबको मेरी ये मिशन है कि हम इन सारों को कानून के नीचे लेके आएंगे।
ये सारे जितने भी बड़े बड़े मोनोपलीज, कार्टेल्स, माफियाज, ये कभी भी नहीं चल सकते थे जब तक इनको गवर्नमेंट्स इनको पेट्रनाइज ना करती, हुकूमतें इनको पेट्रनाइज करती थी। ये जो शुगर मिल माफिया, ये जो सारी शुगर माफिया है, कौन इसमें बैठे हुए ऊपर? मैं भी सोचूं कि आसिफ जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं, नवाज शरीफ की भी शुगर मिल है, भाई आपकी शुगर मिल्स हैं क्यों? जब आप गौर से जब पता चलता है तो क्यों शुगर मिल है, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई। तो ये एक जगह नहीं है स्पीकर साहब, ये हर जगह है। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। हमने ये जो इंक्वायरीज की हैं, ये हम हर जगह इंक्वायरीज करेंगे। हमने हर जगह ये जो लोग इस मुल्क को एक्सप्लॉयट करते हैं, इनके पीछे जाएंगे। और जो मैं